तो अभी हम पामशोर मल्टी क्यूजिन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में हैं, जो कि काफ़ी सही दिख रहा है। और इनके पास नॉन वेज की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वेज की कम है, इतनी नहीं है, बट नॉन वेज की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अभी हमने एक बिरयानी मंगाई है 3 पैक्स, एंड साक्षी नॉन वेज नहीं है, सिर्फ वो वेज खाती है, तो उसने कुछ तो ऑर्डर किया। उसने क्या ऑर्डर किया? उसने मिक्स वेज और तंदूरी रोटी किया। तो अभी देखते हैं कि बिरयानी आती है, तो अगर बिरयानी से पेट भर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भरता है तो फिर हमने सोचा कि शोरमा या फिर कुछ शेफ स्पेशल मंगवाएंगे। तो बिरयानी उन्होंने बोला आधे घंटे बाद में आएगी, बट वेट करना पड़ेगा आधे घंटे। तो हमने बोला था कि इट्स फाइन, अगर बिरयानी फेमस है यहाँ की तो हम बिरयानी खाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं, और अभी हमने एक चिकन ब्रेस्ट सीजलर ऑर्डर किया है, तो अभी वो आएगा, और उसके बाद में आधे घंटे बाद में बिरयानी आएगी। बट इट्स फाइन, अगर अच्छी है तो वाई नॉट। सो दिस इज द मिक्स वेज मसाला और तंदूरी नान, लच्छा पराठा। तो साक्षी का ऑर्डर आ चुका है, साक्षी खाया लेगी अभी। अभी हमारे सीजलर आएगा पहले, फिर बिरयानी आएगी। सब वेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू साक्षी, सब्जी और पराठे दोनों अच्छे हैं, तो आई होप कि सीजलर भी अच्छा हो और बिरयानी। लेट्स सी। Here's our sizzler. So, इधर कॉम्प्लीमेंट्री सिलेवानी टी होती है, बट टी थी नहीं इनके पास, तो ये इन्होंने जूस दिया है। दैट इज फुली कॉम्प्लीमेंट्री, सो यू कैन ऑल्सो आस्क। तो आफ्टर 2 आवर्स हम पामशोर से निकले हैं। खाना वहाँ का ठीक था, लाइक आई वुड रेट 7 out of 10। सीजलर और मिक्स वेज मैंने खाई नहीं, सिर्फ एक बाइट लिया था, तो इट वॉज फाइन। और बिरयानी भी मतलब ठीक थी, इतना कुछ मतलब आधे घंटे वेट करने जैसा नहीं था। डिलीशियस। कितना कितना रेट करोगे आप? 10 out of 10। नहीं, इतना तो था नहीं कुछ। एडिट करना पड़ेगा। कितना था साक्षी? 6 out of 10। ये जो आप बताओ, 7 is fine ना, मतलब हाँ सर्विस तो भाई उनको खुद को नहीं पता कहाँ पे सर्व करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना। सीधा सीधा सर्विस वाज नॉट दैट गुड। अभी हम जा रहे हैं सेंट थॉमस, नहीं अभी हम एक और टेंपल जाएंगे, फिर मरीना बीच एंड देन सेंट थॉमस चर्च जाएंगे। सो वी आर एट नाउ परम सारथी पेरुमल टेम्पल, जो कि विष्णु जी का टेम्पल है। परम सारथी मतलब अर्जुना के जो सारथी थे उनको बोला गया है, डिवोट किया गया है। तो अभी हम उसके अंदर जाएंगे, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, और इधर की जस्ट अपोजिट इसके कुंड भी है, तो अभी हम अंदर जाएंगे। शूज़ एंड स्लीपर्स आप कार में निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, बट इट्स प्रेफरेबल कि आप कार में निकालें। और माला हमें 100 रुपये की पड़ी, 50-50 की दो, 54-1। बहुत बड़ी लाइन लगी, और ये अभी खुला है 4 बजे, फिर भी। बट हमने अभी स्पेशल टिकट ली है, दैट इज़ लाइक 50 रुपीज़ पर हेड, तो हम बहुत सबको बाईपास करके चले जाएंगे। सो आफ्टर द टेम्पल वी केम टू मरीना बीच। बीच लुक्स लाइक दिस। 100 रुपये की पार्किंग है यहाँ पे, घोड़े वोड़े हैं, यू कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ हियर, यू कैन कम विद योर फैमिली। इट्स लिटिल बिट डर्टी। नाउ वी आर एट सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च।
जो कैथेड्रल है वो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और साउथ साइड के अंदर चर्चेज हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं ये। सो आफ्टर दी चर्च अभी शाम को सबका मन हुआ कि आइसक्रीम खाते हैं, तो अभी हम इधर पोलर बियर संडे जोन में हैं, आइसक्रीम संडे जोन। तो मैं तो ट्रैफिक जैम मंगा रहा हूँ, यू कैन सी हियर। सो लेट्स सी हाउ इट इज। सो नाउ इट्स 10:30, अभी हमने खाना वाना खाया और लूडो खेला, तो अभी हम जस्ट सो रहे हैं। दिस वॉज द सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप। कल हम पुडुचेरी के लिए निकल जाएंगे और रास्ते के अंदर हम एक टेम्पल एंड वी विल ऑल्सो सी क्रोकोडाइल बैंक, अगर वो खुला हुआ तो। या सो फॉर नाउ, फॉर टुडे दैट्स इट, बाय, मीट यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। सो अभी बजे हैं सुबह के 8 और अभी हम सब तैयार होकर निकलेंगे, देन ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे यहाँ से, एंड देन फर्स्ट वी विल गो टू द टेम्पल एंड देन वी विल गो टू द बैंक एंड देन डायरेक्ट टू पुडुचेरी। सो मेरे को यार कल जुकाम हो गई, आई थिंक जो आइसक्रीम खाई थी उससे जुकाम हो गई, तो मेरे को सर्दी लग रही है अब। बाकी सर्दी है नहीं यहाँ पे, बट लेट्स सी, यहाँ तो फिर दवाई लेंगे, उन्हें देखते हैं अगर ऐसे ठीक हो जाए तो। अभी सब नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, then we will go to temple Mahabaleshwarpuram. So it's 9:15 now and we just left the room और अभी हम temple जाएंगे Mahabalipuram और then we will go to crocodile bank अगर वो खुली है तो। या stay tuned. मैं पीछे बैठ गया हूँ क्योंकि, और मैंने दवाई भी ले ली कॉम्बी पिला क्योंकि मेरा सर दर्द करने लग गया था और जुकाम भी तेज़ हो गई, बुखार भी हो रही है, तो पीछे बैठ गया क्योंकि आगे वो एसी चला रहा है। मैंने खिड़की खोल लिया। अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ श्राइन, क्योंकि वो रास्ते में होते हुए जगन्नाथ दैन मलिपुरम महाबलीपुरम एंड देन क्रोकोडाइल बैंक, फिर उसके बाद में ओरावेल जो रोक बीच है पौंडीचेरी के पास है, तो फिर वहाँ पर जाएंगे हम। सो आफ्टर 1 आवर जर्नी हम जगन्नाथ श्राइन टेम्पल हैं, जो कि मतलब बहुत पतली सी गली में है, छोटी, मतलब इतनी पतली नहीं है, बट इट्स नॉट ऑन द लाइक यू नो ऑन द मेन एरिया। ऑल्सो इट्स नॉट दैट बिग आई गेस, बिकॉज मैं इधर से देख नहीं सकता, बट पिक्चर्स में तो अच्छा दिख रहा है, तो विल जस्ट गो इन साइड एंड आई शो यू कि अंदर से कैसा है। काफ़ी मतलब जो हमने अभी तक टेम्पल्स देखे हैं उनसे तो अच्छा ही है, लाइक वेल मेंटेन्ड है, तो लेट्स सी। और पार्किंग के लिए आप सिर्फ यहीं पे उसके आगे आप पार्क कर सकते हैं, इतनी भीड़ भी नहीं लग रही है। यू कैन सी हियर श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एजुकेशनल कल्चरल ट्रस्ट के जरिए ये फंडेड है, और दर्शन टाइमिंग इज फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 AM टू 12:30 PM एंड देन देर इज़ अ मिड डे and from evening it's 3:30 PM to 7:30 PM. So abhi shayad aarti hai, pata nahi, I can hear the bells, but let's see. It's really nice, coconut trees hai aur kafi acha dikh raha hai yahan se view. If I zoom it you can see. So I'm very excited to go inside. Abhi wo cap aur ye sab kuch leke aaya hu, to I'll just wear that, and because bahut zyada garmi hai. It's like 29 degrees centigrade here. It's really nice temple, I would say. जो आर्किटेक्चर है, it's really nice. बहुत दिखने में भी बहुत सही है, एंड दे हैव मेंटेन्ड इट रियली नाइस। तो साइड में भी मंदिर्स हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, और जगन्नाथ जी का टेम्पल है ये।
So the best thing about this temple is that you don't have to, you know, pay any money for your ticket. It's free. It's free, of course. So you don't have to pay any amount of money for the ticket. So that's also a good part. Then just come and visit the temple, Jagannath Temple. So if you want to also see the snakes, you have to give the entry fees. For adults it's 30 and for child is 18, and for the crocodile bank it's 100 for adults and 50 for child. Aur ye map hai. There are 17 species of crocodile and 10 species of turtles and 1 species of lizard here. And here you can see, basically ye 3 endangered species ऑफ क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल को सेव करने के लिए बनाया गया था. घड़ियाल जिसके अंदर से एक है, हियर इज द घड़ियाल क्रोकोडाइल, देयर कैन आई सी हिम, या यू कैन सी देयर ही इज रेस्टिंग. एलिगेटर बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर. और यहाँ पे ये मगर और मार्श क्रोकोडाइल है, दैट इज ऑल्सो एन इंडेंजर्ड स्पीशीज. क्यों हो रहा है नील क्रोकोडाइल. அது கண்ணாடி கிளாஸ் குறைச்சிட்டு வெளில வந்து என்ன வருது And this is the only one lizard species here. Komodo dragon. So many. So yeah, here you have like to know the most dangerous animal in the world. Just open the door. So if you open the door. There's a mirror. So you know who is the most dangerous animal in the world. भाई इतने बड़े टर्टल्स मैंने नहीं देखे आज तक. They are so big. They are so big. ये मेरा पाना बोल रहा है. So 14 species of crocodile. 10 species of tortoise और एक lizard. देखिए हमने मतलब सही था, मैंने crocodiles नहीं देखे थे, alligator नहीं देखे थे पहले, तो सही था. वन टाइम एक्सपीरियंस, इट्स गुड. सारे इन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं, तो यू कैन जस्ट विजिट. 100 रुपीज़ की टिकट है adults की और 50 रुपीज़ की टिकट है बच्चों की. और वहाँ पर अलग से फिर स्नैक का भी है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू visit that you can. There is like 30 rupees ticket for adult and 15 for children, so you can. Abhi hum ja rahe hain Mahabalipuram, to abhi kitna baja hai, 1:15 baja hai, to abhi mere ko ye nahi pata ki wo khula hai ki nahi hai, kyunki midday bhi hota hai wahan pe, to 3:30 ke baad mein fir khulte hai mandir, to abhi dekhte hain ki khula hoga ya nahi khula hoga, fir uske baad mein aage hum Pondicherry ki taraf badhenge. To abhi main route jo hai महाबलीपुरम का वो बंद कर रखा है, तो अभी हम वॉक करके 10 मिनट वॉकिंग है यहाँ से. तो अभी हमने हाईवे पे गाड़ी पार्क की है और अभी वॉक करके जाएंगे 10 मिनट वॉकिंग फ्रॉम हियर, फिर बाद में वहाँ पे देखेंगे कि क्या एंट्री टिकट है. एंट्री टिकट तो देख रही मैंने 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ पर हेड. कितनी भीड़ है वो देखनी है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है. So the statue is this side and the beach side is that. So this is the temple. अभी ये बंद है, 3 बजे के अराउंड खुलेगा. तो अभी हम जो बीच साइड जो टेम्पल है वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में जो रोक है वो देखेंगे. भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, ऐसा लग रखा है जैसे कोई मेला लगा हुआ है. तो लेट्स सी कि टेम्पल के अंदर कितनी भीड़ है. मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बट लेट्स सी कितनी टिकट है और कितनी ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे. सो दिस इज द शो टेम्पल.
यहाँ की जो टिकट है वो 40 रुपये की थी पर हेड। ये सी के पास है एकदम, और वो उधर से सी के पास जाने का उधर से रास्ता है, साइड से उधर से रास्ता है आगे जाने का, और इधर से ये शॉ टेम्पल है। भीड़ इतनी ज़्यादा लग तो नहीं रही है, लेट्स सी। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे बीच साइड है, तो यहाँ पे लोग नहावा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो मतलब सामान भी बेच रहे हैं, वाटर बॉटल और फ्रूट सैलेड, ये क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। दिस इज़ द टेम्पल, ये स्टैचूज़ है।